नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मार्च 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इन दिन सोमवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और इस दिन हस्त नाम का नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो दोस्तों, इन दिन ध्रुव नाम का योग शाम के 5:54 रहेगा, उसके उपरांत व्याघात नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, इन दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ये अशुभ समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 7:57 से लेकर सुबह के 9:28 तक और चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, आज से लोगों का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना वो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, पहचान से मिला हुआ काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगा। यूं तो पत्थर भी तकदीर बदल सकता है, शर्त यह है कि उसे दिल से तराशा जाए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में आपको फोन अथवा ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेंगे। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेगी तथा प्रसन्नतापूर्ण माहौल रहने वाले हैं। कोई बेहतरीन उपलब्धि भी हासिल होने वाली है और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आय के साथ साथ खर्चे की स्थिति भी रहेगी जिसकी वजह से बचत भी नहीं हो पाएगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अवश्य अमल करें, आपकी अपनी जिद की वजह से ही कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है तो दोस्तों, यश में इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि काम से संबंधित जो भी प्रगति की आपको अपेक्षा थी वह प्रगति मिलने भी शुरू होंगी। फिर भी मन की तैयारी ना होने की वजह से आपके अंदर डर भी बन रहा है। आपको बता दें, पैसे खो जाने की आशंका भी बन रही है, इसलिए दोस्तों, यश में पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों, आपको अंदर बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगा, ऊर्जा का आप यश में महसूस भी करेंगे। ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है, परंतु दोस्तों, आप अपना बजट संतुलित रखने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, यश में किसी बनते कार्य में परेशानी अथवा रुकावटें आने से कुछ समय आप जो है मायूसी में रह सकते हैं। दोस्तों, यश में आपको भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। गुस्से और फिर जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि बीते समय में आपके स्वभाव का लोगों ने जो फायदा उठाया था उसके प्रति रोष बढ़ सकता है। दोस्तों, इन घटनाओं के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। पुराने मित्र के साथ अचानक हुई मुलाकात भी आपको यहाँ समय आनंद देने वाली है।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु मैं आपके लिए जैसे मुमकिन आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ संपर्क का दायरा भी यीशु में बढ़ने वाले हैं। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाकर रखेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से उबाऊ होकर यीशु में आप अपना अधिकतर समय स्वयं के रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करेंगे। यीशु में किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने का प्रयास ना करें। दोस्तों कोई पुरानी नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी होने की वजह से आपके मनोबल में भी कुछ कमी ला सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें और यश में अपना आत्मविश्वास बनाकर रखने का प्रयास करें। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप पर बढ़ रहे मानसिक तनाव के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी बात पर पूरी तरह अपना ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और अधिकतर समय जो है अकेले में रहने का कोशिश करें। लोगों के प्रति नकारात्मक भावना इसमें आपके अंदर बढ़ सकती है, तो इनसे आप बचने का प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ समाचार भी देने वाली है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की भी संभावना है। पिछले कुछ समय से चल रहे खराब संबंधों में भी सुधार आएगा। सामाजिक या फिर धार्मिक यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च या फिर कर्ज लेने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों बाद में आपको इससे पछताना पड़ सकता है, तो अभी ही आपको सावधान रहें। दोस्तों आपको बता दें यश में अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो दोस्तों उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा आपकी छवि पर आँच आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके द्वारा लिए हुए निर्णय को लोगों द्वारा विरोध किया जा सकता है। उनके विरोध को मिटाने के लिए उनकी भी बातों को समझना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपको कभी कभी तनाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे अंत में आपका अधिकतर काम काज जो है आसानी से पूरे भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो यदि भागीदारी में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों व्यवसाय संबंधी जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी, परंतु अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी जिससे और अधिक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों ध्यान रखें कि यश में कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी कामों को निपटाने का उचित समय होगा। कुछ ठोस निर्णय भी आप लेने में यश में कामयाब रहेंगे, परंतु निवेश संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। यश में आर्थिक स्थिति कुछ धीमी बनी रहेगी। नौकरी में ऑफिस का माहौल भी यश में सकारात्मक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपका पूर्ण नियंत्रण व फिर वर्चस्व बना रहेगा, परंतु अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। यह समय जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में बेहतरीन सफलता भी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यभार की अधिकता रहेगी और इनके वजह से घर पर भी आपको देरी से जाना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय तथा नौकरी दोनों जगहों पर अपनी कार्यप्रणाली में आपको कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी। काम की अधिकता बनी रहेगी, परंतु इन्हें आप सहयोगों के सहयोग से पूरा करने में भी समर्थ रहेंगे। आपको बता दें कि आपकी योग्यता व फिर काबिलियत की वजह से किसी दूरदराज क्षेत्र से संपर्क आपका बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार के साथ शॉपिंग तथा डिनर आदि में समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से और अधिक नजदीकियां बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों दाम्पत्य तथा व्यवसाय के जीवन में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे, परंतु घर की छोटी मोटी बातों में यश में आपको अपना अपेक्ष नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं बनना शुरू हो जाएंगी। बच्चों के अनुशासित तथा व्यवस्थित बने रहने की वजह से तनाव आपका यश में दूर होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी मिलकर परिवार तथा बच्चों से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श करें तो काफी हद तक समस्या का निवारण होगा तथा घर का माहौल भी इससे खुशनुमा बना रहेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी, हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन लें, ये आपके लिए बेहतर होगी, जल्द ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें दोस्तों यश में स्वास्थ्य आप अगर आप सावधानी को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक होगा, परंतु अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करें। दोस्तों यश में आयुर्वेदिक चीज़ों का आप अधिक से अधिक सेवन करें, इनसे आपका जो है स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि ज़्यादा कार्यभार की वजह से आपके पैरों में दर्द या फिर थकान की स्थिति भी बन सकती है, तो दोस्तों यश में काम के साथ साथ आराम भी जरूर करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान भी आपको रह सकती है, कुछ समय अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी व्यतीत करें, इनसे आपको सुकून मिलेगा और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।